भारतीय संविधान टॉक शो में मैं हूं प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज हम इस्लामपुर में। जब भी भारतीय संविधान की बात आती है तो चर्चा जो होती है उस आज चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेष अतिथि है वो है गट विकास अधिकारी प्रकाश कृष्णा जी कामड़े। जब भी हम भारतीय संविधान पर चर्चा करते हैं तो संविधान, संविधानों के सिद्धांत, चाहे वो आर्थिक सिद्धांत हो, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांत हो, चाहे वो सामाजिक सिद्धांत हो, चाहे वो धार्मिक सिद्धांत हो, सारे सिद्धांतों की चर्चा होती है भारतीय संविधान टॉक शो में। हमारे अधिकार क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सबसे बड़ी चर्चा आती है भारतीय संविधान में। तो चलो आज हमारे साथ है प्रकाश कृष्णाजीत कांबड़े। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सर। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान भारत को समर्पित किया था और आम जनता जब थी, जब हम 1952 की बात करते हैं अवर सेल्फ गवर्नमेंट की यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था की, तो 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में उसका इनॉग्रेशन किया था नागौर जिले में और उसके बाद जो है 73 अमेंडमेंट हुई थी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 73 अमेंडमेंट का महत्व क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार कलम जो 40 है वो 40 के अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था की स्थापना हो गई है। ये बाबा साहब ने लोकशाही का जो तजुर्मा तैयार किया है वो तजुर्मा बुद्ध धम्म के अनुसार ही है। बुद्ध धम्म के पहले जो समाज में व्यवस्था थी वो जनपद की व्यवस्था थी, वो जनपद के अनुसार ही आगे आगे चलते चलते वो अपने समाज में ग्राम पंचायत के नाम पे आ गई। इसके ग्राम पंचायत के पहले हम जो विचार करेंगे तो समाज में क्या दिखता है, समाज में जाति व्यवस्था थी और जात के अनुसार जात पंचायत थी। वो जात पंचायत के अलग अलग कायदे थे, कानून थे, उस कानून के तहत उस जात का व्यवहार चलता था, भले वो आर्थिक व्यवहार हो, भले वो सामाजिक व्यवहार हो, भले वो कौटुंबिक व्यवहार हो, सब व्यवहार जात पंचायत के नियम से कानून से चलता था। लेकिन उसमें जो शोषण हो, व्यक्तिगत शोषण था और कौटुंबिक शोषण था, जो कानून तोड़ेगा समाज का, जात पंचायत का कानून तोड़ेगा, वो कानून के तहत, समाज के तहत, जात पंचायत के तहत, कानून के तहत उसे सजा दी जाती थी, उसका बहिष्कार किया जाता था, वो कौटुंबिक था वो व्यक्तिगत था। ये जो व्यवस्था थी जात पंचायत की आज भी मौजूद है, हर एक समाज में आज भी वो जातीय जात पंचायत मौजूद है और उसके तहत आज भी कोई समाज जो पिछला समाज कहला जाता है उसमें आज भी वो प्रचलित है। लेकिन इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, ये शोषण बंद करने के लिए बाबा साहब ने ग्राम पंचायत का निर्माण किया यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था का निर्माण किया है। इस स्थानिक स्वराज संस्था से जो भी अधिकार ग्रामीण व्यवस्था के रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण जीवन के लोग हैं, उनको वो अधिकार दिया गया है। उसमें बाबा साहब ने जरूर कहा था कि ग्रामीण व्यवस्था जो जात की एक अगर है, जात का वो कुंड है, बहुत बड़ी जातीयता ग्रामीण व्यवस्था में रहती है, फिर भी बाबा साहब ने उसको मजबूत करने के लिए, वो तोड़ने के लिए, जात व्यवस्था तोड़ने के लिए, लोकशाही मजबूत करने के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए ग्राम पंचायत का यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था का निर्माण करने के लिए 40वां वो कलम संविधान में आ गया। इस चर्चा के तहत पहले जो इस 40 कलम से तहत बहुत कम अधिकार थे और उसमें कोई ऐसी कठिनाई या कानूनन कठिनाई आई थी कि जो ग्राम पंचायत सदस्य था उसके बारे में कोई ऐसा विवाद खड़ा हो गया तो विवाद के लिए ना सुप्रीम कोर्ट सुनता थी, ना हाई कोर्ट सुनती थी, ना कुटला कौन सा कोर्ट सुनता नहीं था, उसका निवाड़ा एक अलग आयोग आयोग करता था।
लेकिन उसे कानून घटनात्मक उसका कोई दर्जा नहीं, दर्जा नहीं था घटनात्मक। इसके लिए ये जो खामियां थी ये 40 कलम में, ये खामियां दूर करने के लिए 73 अमेंडमेंट आई। 73 अमेंडमेंट ये ग्राम पंचायत के लिए है और 74 ये नगर पालिका के लिए है। इसमें हम अपने पहले 73 अमेंडमेंट क्या है, ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, ये क्रांतिकारी अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के तहत जो आप हम देखते हैं महिलाओं का अधिकार, महिला 50% ये व्यवस्था में आ गई। ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन महिला के लिए रखा गया था। दूसरा रिजर्वेशन ओबीसी, उसका रिजर्वेशन रखा गया था। मागास प्रवर्ग है उनके लिए आरक्षण रखा गया है, जो विशेष मागास प्रवर्ग है उनके लिए आरक्षण रखा गया। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो पहले नहीं थी, इसलिए जो सरपंच का बेटा सरपंच था उसका नातू पोता सब सब सरपंच 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 होते रहते थे, ये बंद हो गया। बहुत ही बढ़िया आपने जो 73वीं अमेंडमेंट बताई। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था इसे आवर सेल्फ गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट हम कहते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस प्रकार का इसका वर्क होता है। इसका वर्क कैसा होता है, ये 73वीं घटना दुरुस्त के तहत वो ग्राम पंचायत को लोगों को अधिकार दिया गया। इसमें पहली जो महत्वपूर्ण बात रखी गई है वो ग्राम सभा की, ग्राम सभा के अनुसार ग्राम सभा ने सब निश्चित करना है गांव में कौन से काम होना चाहिए, गांव में किसको रोजगार देना चाहिए, गांव में किसको किसको योजना सरकारी योजना देनी चाहिए, इसका एक लिस्ट ग्राम पंचायत बनाती है। वो लिस्ट के तहत उसी प्लानिंग के अनुसार वो गांव का विकास चलता रहता है। उसके अंदर वो ग्राम पंचायत को जी जो उनकी वर्क की यादी होती है, क्या क्या करना है, काम का विवरण वो उन्होंने स्पष्ट किया। 73वीं घटना दुरुस्त के तहत स्पष्ट किया और उसमें 69 जो वर्क है उनको दे दिए, ये आप 69 जो है ना वो वर्क आप करो, उसमें ग्राम सभा का पहला सहभाग ले लो और ग्राम सभा जो तय करेगी उसके बारे में वो काम चालू रहेगा। ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है आरक्षण की, दूसरी अमेंडमेंट है। तीसरा जो इसमें अमेंडमेंट में भाग आता है वो पैसे का, आर्थिक नियोजन बहुत बड़ा इस 73 घटना दुरुस्त के अनुसार किया गया है। आयोग जो है आयोग के तहत ग्राम पंचायत को डायरेक्ट निधि अब प्राप्त होने लगा है, भले वो आर्थिक आयोग हो वित्त आयोग हो तो, और जो भी गांव की लोक संख्या रहती है वो अनुसूचित होगी अन्य लोक संख्या के तहत उनके अनुपात से केंद्र सरकार पैसा देती है, वो डायरेक्ट ग्राम पंचायत देती है। कई योजना ऐसी है कि ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसमें ये जो डिवाइडेशन होते होते उसका नियोजन किया, आर्थिक नियोजन किया जाता है। उसकी तरह पहले ग्राम पंचायत को मालमत्ता कर यानी घर पट्टी आप जिसे कहते हैं, घर पट्टी के सिवा अन्य कोई भी फंड नहीं था, वो उसका स्वयं फंड था। लेकिन इनके 73 घटना दुरुस्त के अंदर जो भी अमेंडमेंट आई उसमें गवर्नमेंट के जो सर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेस लगता है जमीन पे सेस है उस सेस का पैसा भी ग्राम पंचायत को आने लगा। गांव में गांव के अंदर गांव के हद में जो खनिज होती है वो खनिज के उसका भी पैसा ग्राम पंचायत को मिलने लगा। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं सर कांबे सर कि आवर सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारे यहाँ पे चाहे वो माइंस हो चाहे कोई मिनरल्स हो अगर वो मिलते हैं तो उसका जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ गांव का ही होना चाहिए। बहुत अच्छी अपने बात की। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के
बाद और जानेंगे भारतीय संविधान। इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान के बारे में आज हमारे साथ है विशेष अतिथि प्रकाश कांबळे जी, जो कि रिटायर्ड गट विकास अधिकारी है। ब्रेक के बाद फिर से भारतीय संविधान टॉक शो में मैं दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो है वो है गट विकास अधिकारी, और हमारे साथ खास करके कुबेर जी, जो कि ग्राम सेवक है। तो चलो कुबेर जी, जब भी हम बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में या 73वीं अमेंडमेंट के बारे में, तो आप मुझे बताइए, जब भी गांव में जो प्रथम ग्राम सभा होती है उनका अध्यक्ष जो सरपंच होता है, लेकिन ऐसी हमारे ग्राम पंचायत में तरतूद है क्या कि जब दूसरी या तीसरी ग्राम सभा होती है उनका जो अध्यक्ष होता है वो आम हो सकता है क्या, आम आदमी हो सकते हैं? ये जय भीम, मैं कुबेर कांबळे, ग्राम सेवक। भारतीय राज्य घटना के अनुसार जो त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था है उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तीन स्तर है। इन तीन स्तरों में ग्राम पंचायत वो बहुत सक्षम करने के लिए जो 73वीं घटना दुरुस्ती होगी उसमें ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। उस अधिकार के अनुसार ग्राम सभा का वर्ष है वो वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से जो पहली ग्राम सभा होती है वो मई महीने में होती है महाराष्ट्र दिन के वो एक पहली सभा में ग्राम पंचायत के पदसिद्ध जो सरपंच होते हैं वो सरपंच के अध्यक्षता में पहली सभा होनी चाहिए, ये ऐसा है। और वो पहली सभा छोड़ के फिर 6 सभा जो होते हैं उस 6 सभा में दूसरी सभा को और या तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में ग्राम पंचायत के मतदार है, वो जो मतदार होते हैं ग्राम सभा के जो मतदार होते हैं, जो सदस्य होता है ग्राम सभा का, उसमें से कहीं भी कौन से भी जाति के धर्मों का सभी से एक वो अध्यक्ष हो सकता है। हमारे कुबेर कांबळे ने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है कि अगर ग्राम सभा में अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो सरपंच के बजाय भी हम आम सभा, यानी रियली अगर 73वीं अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी हम जो चल रहे जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही, ये लोकशाही के धरती पर है। हमारे साथी जो है वो है अमित एटमजीत। जब भी अमित जी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21C की, तो आर्टिकल 21C हमें यह बताता है कि 6 से लेकर 14 साल तक मुक्त एजुकेशन का प्रावधान किया है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिनको मुक्त शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका इम्प्लीमेंट किस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ लॉर्ड बुद्धा की सब टीम जो इस्लामपुर शहर में आई है, इस्लामपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, इसमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राष्ट्रीय सभा यहाँ इस्लामपुर में तहसील कार्यालय के चौक में हुई थी। सबसे पहले यहाँ लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के बागड़े साहब और पूरे लॉर्ड बुद्धा टीवी की टीम, जिसमें कैमरामैन है, प्रवक्ता है, इन सब का, तक्षशिला ज्ञान केंद्र इस्लामपुर, भारतीय बौद्ध महासभा इस्लामपुर, समता सैनिक दल इस्लामपुर, इनकी तरफ से सहर्ष स्वागत है। और आज जो संविधान के ऊपर जो डिबेट चल रहा है ये अतिशय प्रशंसनीय डिबेट है। इसके तहत मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि 6 से 14 साल तक हर लड़का और हर लड़की को
शैक्षणिक जो अधिकार है वो मुफ्त में मिलना चाहिए, मिलेगा, इस मत का मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इसका जो मूल कारण है हमारी कुटुंब व्यवस्था पर आधारित है। क्योंकि आज बहुत से परिवारों में देखा जाए तो बच्चों के माँ बाप होते उनको शिक्षा के वास्ते कोई अच्छे से लगन नहीं होती, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज बाबा साहब के सब कार्यकर्तृत्व के वजह से, संविधान की वजह से आज पूरी तरह हमारे आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, शैक्षणिक जो स्तर है वो आज बहुत सा ऊपर है। लेकिन बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि बाबा साहब ने जो किया है वो हमको और हमारे बच्चों को जो उज्जवल भविष्य है वो संपादन करने के लिए किया है, पर उसके वास्ते जो माँ बाप है उनका जो तरीका है अपने बच्चों के शिक्षा के ऊपर ध्यान देने का वो आज पूरी तरह से सफल में नहीं आया है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो परिपूर्ण तरह से आज भी धम्म को अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि आज भी हमारे सब लोग धम्म के वास्ते, धम्म की राह पर चलने की वजह से आज जो हमारी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की जो तरक्की हुए इसका मूल कारण है बौद्ध धम्म है। लेकिन पूरी तरह से हर परिवार में धम्म का आज विस्मरण हो रहा है। बाबा साहब ने हमारे उत्कर्ष की जो 22 प्रतिज्ञा दी थी उन 22 प्रतिज्ञा का भी पूरी तरह से आज विस्मरण हमारे परिवार में हो रहा है। इसका मूल कारण है कि हम हमारे बच्चों के वास्ते जो अच्छी शिक्षा, अच्छा आरोग्य और अच्छा वैचारिक संकल्प धम्म का और बाबा साहब के मूवमेंट का हम दे नहीं सकते। इसलिए आज गवर्नमेंट के जो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार है होते हुए भी हम हमारे युवा पीढ़ी को, नन्ही पीढ़ी को उच्चतम शिक्षा, आरोग्य और वैचारिक अधिष्ठान नहीं दे सकते। इसका मूल कारण हमारे परिवार में है, हमारे कुटुंब संस्था में है। हमारे साथ फिर से हम जाएंगे प्रकाश कांबळे की तरफ। सर, जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की और आप गट विकास अधिकारी है, तो जब भी आप प्राथमिक स्कूल में जाते थे या झड़पी के स्कूल में जाते थे तो आपको जो पट संख्या थी वो कम दिखती थी और कॉन्वेंट में जाते तो संख्या ज़्यादा दिखती थी, इसका मेन रीज़न क्या होता है सर? एजुकेशन व्यवस्था में जो बदलाव आया उसका कारण, एक प्रमुख कारण ये पॉलिटिकल कारण है। सरकार की इच्छा शक्ति कम हो गई है। एजुकेशन के बारे में उसका व्यापारीकरण हो रहा है, आप सबको दिख रहा है। कोई ऐसा समर्थन उसका किया जाता है कि एजुकेशन उसका खाजगीकरण जो किया गया है उसका समर्थन ऐसा रहता है कि जो टेक्निकल लोग थे वो मिलते नहीं थे, इसके वास्ते हमारा विकास में रुकावट आती थी। इसलिए जो भी उसी वक्त सीएम थे, महाराष्ट्र के सीएम थे, उन्होंने निर्णय लिया, वो कर्नाटक बाजू में कर्नाटक है, कर्नाटक सरकार क्या करती है उसका एजुकेशन फ्री है और उसमें जो तांत्रिक लोग निर्माण होते हैं शिक्षा लेकर और अपने महाराष्ट्र में आकर उनको नौकरी दिया जाता है, इसलिए आपका जो विकास वो खंडित हो रहा है। इसकी जो भूमिका है ये खासगीकरण की, यह भूमिका तो हद बंद होनी चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, ऊपर से नीचे 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 तक आ गई। यानी कि टेक्निकल जो स्कूल है, टेक्निकल जो कॉलेज है, उससे कॉलेज से लेकर वो प्राथमिक शिक्षा तक आ गई। मैं जब भी स्कूल में जाता था मैं ऐसा पद दिखता, मैं एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। वो किस्सा था, मैं एक ग्राम पंचायत में गया, उधर ग्राम पंचायत बंद थी, बाजू में एक स्कूल था, स्कूल में गया और उधर पूछा गया कितना पट है, कितने शिक्षक है, ये सब सवाल मैं उस टीचर को, हेड मास्टर को करता था। उसमें एक टीचर थी वो उसमें गैर हाजिर दिखती थी, उधर नहीं थी वो। उसके बारे में मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा वो बाजू के जो वाड़ी है तो वाड़ी के स्कूल में गई है, वो आए क्या अभी, इतने में वो आ गई। और मैंने उसको पूछा, मैडम आप जो स्कूल में पढ़ाती है उसमें कितना कितनी यत्ता से कितने तक है? तो बोले पहली से चार यत्ता तक वो स्कूल है। बताओ पहले का पट बताओ, उसने बताया एक, दूसरे का पट बताओ, उसने बताया दो, फिर मैंने बोला तीसरे का और चौथे का, मुझे समझ में आया
आप बताने कोई जरूरत नहीं। यानी अभी आज भी हमें वो भी पता नहीं कि शिक्षक अगर उस प्रकार से हैं, उस प्रकार वो बच्चों को उस प्रकार की अच्छी तालीम देते नहीं है तो आज हमारा भारत का जो विकास है वो खंडित हो जाएगा। लास्ट में हमारे साथ धुमाए जी, जय भीम सर। तो आप एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, भारतीय संविधान का सहगामी मूल तत्व क्या है? भारतीय संविधान का मूल तत्व है समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय। हमारे साथ थे भारतीय संविधान के जानकार और हमारे सामने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि वो गट विकास अधिकारी थे। 73वीं अमेंडमेंट क्या है, अगर इस 73वीं अमेंडमेंट का सही में इंप्लीमेंट होता है तो भारत सही में सम्राट अशोक का जो भारत था जिसे हम जम्बूद्वीप कहते हैं वो जरूर हमें मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट आशिक सोनटक्के के साथ जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जय भीम।